हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे साइक्रोमेट्री की। ये टॉपिक क्लास में भी हुआ है पर इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हम मतलब पढ़ेंगे कि जब जैसे जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, उसमें अगर वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं है तो वो क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर नहीं है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक एयर है। जब उस एयर में हम धीरे धीरे वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर उसमें प्रेजेंट होने लगे, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें आने लगे तो वो मॉइस्चर एयर कहलाएगी। तो इसी तरीके से इसकी जो पूरी स्टडी है वो साइक्रोमेट्री कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम साइक्रोमेट्री चार्ट देखेंगे जहाँ पे वेरियस प्रोसेस जो है वो दिखाए जाएंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में केवल इतना ही है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे साइक्रोमेट्री क्या है। साइक्रोमेट्री जो है वो स्टडी है किसकी, मिक्सचर ऑफ एयर और वाटर वेपर। मतलब जब एयर में वाटर वेपर मिक्सचर है, ये दोनों मिक्सचर है, एयर और वाटर वेपर मिक्सचर है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करने को हम कहेंगे साइक्रोमेट्री, ठीक है। इसमें तीन तरीके के टेम्परेचर आते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे मानिए अगर कोई थर्मोमीटर है हमारे पास, ठीक है, कोई थर्मोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, इस थर्मोमीटर का जो मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो थर्मोमीटर मेजर करेगा उसको हम कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसका नाम ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ वेट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ गीली होती तो इसका नाम फिर कुछ और होता, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ऐसे ही जब इस पर कोई भी हमने सामान नहीं लगाया, इसका जो टेम्परेचर था वो मॉइस्चर का जो टेम्परेचर था वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था। इसी थर्मामीटर पर अगर कोई गीला कपड़ा हम बांध दें, ठीक है, कोई भी वेट क्लोथ हम उसके सराउंडिंग पे बांध दें थर्मामीटर के, उस टाइम पे जो टेम्परेचर आएगा वो कहलाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इसको इस वाली लाइन से हम देखेंगे, ये सब भूल जाइए, अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, कूल्ड कॉन्सेंट्रेशन। देखिए द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर इन द एयर बिगिंस टू कंडेंस, ठीक है। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, अब उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसके बाद आता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। देखिए इस प्रेशर का काम कब आता है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कई सारे प्रेशर्स ऐसे हैं जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से को रिलेट होते हैं। इन टेम्परेचर से जब हम रेफ्रिजरेशन चार्ट देखेंगे या साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हैं तो कुछ प्रेशर से हमें ये टेम्परेचर्स मिलते हैं या इन टेम्परेचर से हमें कुछ प्रेशर मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रेशर है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, पानी वाटर वेपर का, किस पे, एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर होता है वाटर वेपर का वही है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम दो ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। ह्यूमिडिटी यही है कि एयर में वाटर का कितना, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। दो ह्यूमिडिटी हैं, पहली है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये देखिए किस किस का रेशियो है, ये दो चीज़ों का रेशियो है। पहला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। मतलब मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर का कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर में ये आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, ठीक है, सैचुरेटेड एयर भी होती है, एक होती है मॉइस्ट एयर, एक होती है सैचुरेटेड एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब है कि उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये हमने मान लिया। सैचुरेटेड एयर क्या है कि इसमें मॉइस्ट एयर की मतलब मॉइस्ट एयर के कंपैरिजन में वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा है कि अब इसमें मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स हम डाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड, मतलब इससे ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट इसमें नहीं आ सकती। इन दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। किस पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। देखिए तीन तरह की एयर हो गई, एक तो ड्राई एयर हो गई जिसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, दूसरा हो गया मॉइस्ट एयर जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी है। तीसरा आता है सैचुरेटेड एयर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उस एयर में प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकती, तब वो कहलाएगा सैचुरेटेड एयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ ईच किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, मतलब एक किलोग्राम में
एक किलोग्राम ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर है, इस चीज को दिखाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी आप ये देखेंगे। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, अब ये भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी रेशियो है, किस चीज का? ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज द रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी रेशियो टू द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ अ सेचुरेटेड मिक्सचर। ठीक है, मतलब डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी रेटियो डिवाइडेड बाई ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ सेचुरेटेड एयर। ठीक है, ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कंडीशन क्या है? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हैं। देखिए, ये है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, ये पेन से बनाया है इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं बना। इसमें हमने ये 8 प्रोसेस देखा है। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए, ये है ड्राइवर टेम्परेचर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा है ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे हमें एंथैल्पी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी मिलती है और यहीं इसी पॉइंट पे कहीं कहीं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं यहाँ पे, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती हैं। ये वाली जो लाइंस आती हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती है, यानी कि ये किस तरीके से बढ़ती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाएगी। ठीक है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाती है। तो यहाँ पे अब चलिए देखिए दूसरी चीज़ देखते हैं। हमने क्या किया, इधर से पहले इसको हटा देता हूँ मैं। हमने क्या किया, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। ये 8 प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, 8 प्रोसेस है। 8 प्रोसेस में सबसे पहले देखिए ड्राइवर टेम्परेचर है, मतलब इस साइड हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ओसी जो है ये क्या है, ये है सेंसिबल हीटिंग। हीट जब करेंगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये चीज़ है सेंसिबल हीटिंग। इसी का जस्ट अपोजिट है ओजी, मतलब जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं सेंसिबल हीटिंग, और जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, ये 2 प्रोसेस हो गए। इसी के बाद तीसरा और चौथा प्रोसेस है ओई और ओए। ओई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि एयर में वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तब ह्यूमिडिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है ओए, डिह्यूमिडिफिकेशन, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसकी क्या है, खूबी क्या है, देखिए जब ये सेंसिबल हीटिंग की बात हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ऐसे ही जब ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये 4 प्रोसेस हो गए, 4 प्रोसेस और बचे। सबसे पहले देखते हैं ओ एफ और ओ बी। ठीक है, ओ एफ क्या है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ओ एफ है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुई थी, ओ ई जो है वो ह्यूमिडिफिकेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी है, ओ एफ जो है वो होगा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है, ओ एफ जो है वो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ठीक है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसी तरीके से जो ओ एच है वो यहाँ पे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये वाली लाइन कूलिंग वाली होगी, ये सेंसिबल कूलिंग थी। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे, जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, देखिए ओडी जो है वो क्या शो करेगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ऐसे ही ये जो लाइन है ओ बी, ये क्या शो करेगा, कूल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, सॉरी, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिह्यूमिडिफिकेशन है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हो गए। अब इसमें से देखिए कुछ प्रोसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे हम जब कूलिंग की बात करते हैं, समर की है या फिर विंटर की है, समर में हमें क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए पूरी, और विंटर में हमें हीटिंग चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इन दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और दूसरी जो है ये वाली लाइन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। इन दो लाइंस का हम यूज़ करेंगे जो हमें समर और विंटर में कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, आज के साइकिल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।